We are going to discuss about 6 best ways. 1, 2, 3, start. Hello guys, welcome to my channel. So in this video, we are going to discuss about 5 best ways to find a part-time job in Canada. So as immigrants, it is very important to get your first part-time job, and this video will definitely help you. Okay. तो हम दोनों ने हमारी पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे की है, तो हमें पता है कि कौन कौन से बेस्ट वेज है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. तो ये वीडियो में जो भी 5th वे होगा, जो लास्ट वे होगा, उसमें हम दोनों कन्वर्सेशन करके बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको कैसे अप्लाई करना है. So do watch this video till the end because it will definitely help you. And without any delay, let's start our video. So the first way of applying is obviously apply via Indeed or you can use LinkedIn as well. जो कि बहुत कॉमन है, हर कोई LinkedIn और Indeed से अप्लाई करता है. और ऐसा भी बहुत बार देखा है कि 100-200 एप्लीकेशन करने के बाद भी डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाता है या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता एम्प्लॉयर से. तो ऐसा भी होता है, पर एट द सेम टाइम लोगों की जॉब लगती भी है. ऐसा नहीं है कि किसी की जॉब आज तक लगी नहीं है LinkedIn और Indeed से. पार्ट टाइम जॉब्स भी Indeed और LinkedIn से मिल जाती है. सो व्हेनेवर यू हैव सम स्पेयर टाइम, डू कंसिडर अप्लाइंग विथ Indeed और LinkedIn. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप दैट इन माइंड इज दैट ऑलवेज मैंशन योर अवेलेबिलिटी इन योर रेज्यूमे. बिकॉज जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो तो आपकी अवेलेबिलिटी थोड़ी अप एंड डाउन रहती है. सो बेसिकली दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन. एंड ऑल्सो जब आप LinkedIn या Indeed से अप्लाई करते हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है इजी अप्लाई, स्पेशली LinkedIn में होता है आई गेस. तो वो इजी अप्लाई तो ऑब्वियसली कर देना, बट व्हाट वी वुड रिकमेंड कि आप उसकी जो वेबसाइट है वहां पे जाके आप अप्लाई करो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इजी अप्लाई में वो लोग कंसिडर करते हैं. सो जस्ट डू कंसिडर कि आप उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके अप्लाई करें. एंड ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन से जॉब नहीं मिलती या इंटरव्यू नहीं आते. तो मेरे जो फर्स्ट 2 इंटरव्यूज थे वो मेरे को ऑनलाइन अप्लाई करने से ही आए थे. सो ऑब्वियसली ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड वे. सो सेकेंड वे में है कोल्ड कॉलिंग. तो जब मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढती थी तो मैं ऑनलाइन तो अप्लाई करती थी ही, बट ऑल्सो मैं मैप में जाके मेरे घर के आसपास जितने भी प्लाजा से या फिर कोई भी शॉप ले लो, तो वहाँ पे मैं कोल्ड कॉलिंग करती थी. मैं काफ़ी सारी जगह पे कॉल करके पूछती थी कि आर यू गाइज हायरिंग, एंड अगर वहाँ पे हायरिंग चल रहा होता है तो वहाँ पे जाके फिर रिज्यूम देना होता है. तो आप ऐसे कोल्ड कॉलिंग भी कर सकते हो जिसमें से आप, और कोल्ड कॉलिंग में ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉल करो, तो उसमें से आपको थोड़े परसेंट के तो यस आ ही जाएगा कि यस वी आर हायरिंग. और अदरवाइज़ वो लोग आपको ये कह देंगे कि हम इस मंथ में हायर करेंगे. तो जब मैं अप्लाई कर रही थी तो एक स्टोर से मेरे को कहा था कि वो लोग सेप्टेम्बर में पर्टिकुलरली हायर करने वाले हैं. सो दैट विल हेल्प यू कि अगर आपके पास उस मंथ तक भी जॉब नहीं है तो फिर आप उस मंथ में वहाँ पे जाके अपना रिज्यूम दे दो. और ऐसा भी आपको नहीं सोचना है कि ऐसा मैं कॉल करूंगा तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, मेरे पे कोई भड़क जाएगा. नॉर्मली कोई ऐसा बात नहीं करता. ज्यादा से ज्यादा ये लोग ऐसा बोल देते हैं कि नो वी आर नॉट हायरिंग राइट नाउ, हैव अ गुड डे, ऐसा करके कॉल कट कर देंगे. पर आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई आपसे रूडली बात करेगा या फिर समवन विल जज यू. नथिंग टू वरी अबाउट दैट. अगर आप जनवरी इंटेक में हो तो यू डोंट नीड टू गो इन पर्सन एवरीवेयर. यू कैन जस्ट यूज दिस मेथड. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड वे, विच इज रेफरेंस. तो आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा ही कि यहाँ पे रेफरेंसेस काफी यूज होते हैं एंड उससे काफी लोगों को जॉब मिलती भी है. सो बेसिकली यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स और एनी फैमिली मेंबर्स हु हैव बीन इन कनाडा फॉर सो लॉन्ग. लेट्स से कोई 1 या 1.5 साल से भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में है तो उसके बहुत हाई चांसेस है कि उसके जान पहचान में और उसके इतने कनेक्शंस हो सकते हैं कि जहाँ पे कोई स्टोर में या फिर कोई रेस्टोरेंट में
कुछ ना कुछ ऐसा हायरिंग चल रहा हो, या फिर कुछ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स किस बिजनेस या फिर कंपनीज में काम करते हो और वहाँ पे कोई हायरिंग चल रहा हो, तो ऐसे भी मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स मतलब ऐसे दूर दूर से एक कनेक्शन बिल्ड करके भी यू कैन गेट द रेफरल एंड गेट द जॉब. एंड अनदर गुड थिंग इज दैट रेफरल को यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस देता है, तो कोई अगर किसी बंदे को रेफर करता है तो उसको जो दूसरे जॉब एप्लीकेशन से फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, तो विच इज़ अ रियली गुड थिंग. सो समवन इज इफ समवन इज़ रेफरिंग यू एंड इफ यू डू रियली गुड इन इंटरव्यूज, देर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू आर ऑलरेडी हायर्ड. वो सिर्फ ऐसा ही देखते हैं कि वो कैपेबिलिटीज एंड हाउ द पर्सन इज, सो वो सब चीज़ें ही देखते हैं बिकॉज यू आर रेफर्ड. सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ लाइक गेटिंग हायर्ड विथ रेफरल. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ वे विच इज़ वाया एजेंसी. तो लाइक काफ़ी लोग जब इसमें से कोई भी मेथड से जॉब नहीं मिलती तो वो लोग एजेंसी के पास जाते हैं. एंड आई थिंक एजेंसी में ज़्यादातर फैक्ट्री जॉब्स मतलब इजीली मिल जाती है. बाकी जॉब्स का मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है बिकॉज हमारे काफ़ी फ्रेंड्स को एजेंसी थ्रू फैक्ट्री जॉब मिली है. सो लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन एनी फैक्ट्री जॉब यू शुड डेफिनेटली गो टू एजेंसीज एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. और फैक्ट्री जॉब्स लेट्स से मैकेनिकल और ऑटोमोटिव, अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स अगर आप फैक्ट्री से स्टार्ट करते हो तो मतलब उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप इंटरनली ही कोई मतलब इंटरनल पोजीशन में आपको प्रमोशन मिल जाता है इफ़ यू बिल्ड रियली गुड कनेक्शन इन द कंपनी इट्सेल्फ. द फैक्ट्री जॉब काफी टायरिंग होती है मतलब ज्यादातर फैक्ट्री जॉब्स. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट विच इज अप्लाइंग इन पर्सन. तो ज्यादातर लोगों को यहाँ पे इन पर्सन जाके ही जॉब मिलती है. एंड लाइक मेरी जो भी जॉब थी मेरे को वो इन पर्सन जाके मिली थी. अनुज की आई थिंक दूसरी जॉब उसको इन पर्सन जाके ही मिली थी. सो ये मेथड काफ़ी इफेक्टिव है बट हाँ आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है एंड वो हम लोग अभी दिखाएंगे कि कैसे है. तो वी विल स्टार्ट अवर कन्वर्सेशन एज अ लाइक मैनेजर एंड एज अ पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर द जॉब. तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि अगर आपको इन पर्सन जाके अप्लाई करना है तो कैसे कन्वर्सेशन करनी है. सो अभी के लिए अनुज इज अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड मैं मैनेजर हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hi, how are you today? हाय आई एम गुड हाउ आर यू. I'm good, thanks. Can I speak to the manager, please? ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड आई विल कॉल माई मैनेजर एंड शी विल बी राइट बैक इन 5 मिनट्स. Absolutely, yeah, I'm just waiting right over here. ओके थैंक्स. हाय आई एम यशा आई एम द मैनेजर हाउ कैन आई हेल्प यू. Hi, how are you? My name is Anuj. आई एम गुड हाउ आर यू. I'm good, thanks. Actually, I saw on LinkedIn that you guys are hiring for technology sales associate position. Is your position still open by any chance? Yes, we are hiring right now. Cool. Actually, I'm new to Canada and I'm looking for opportunities in an area specifically for tech sales and to enhance my communication skills and sales skills. I have been doing courses on LinkedIn Learning and Udemy. And I'm confident that my skill would definitely help the company to grow revenue and improve customer service. I'm really excited to start my position here in this company. Okay, interesting. So you can give me your resume right away. Okay, here is my resume. And I have mentioned my availability as well, just for your reference. Okay, sounds good. I will keep this resume with me, and if we find that you are a good fit, we will contact you. Also, even if the position gets filled, please let me know because I am open for any opportunities specifically for this company. I've done lots of research regarding this company and I really liked how the company has been serving to customers. So I really want to work for this company. Okay, interesting, definitely. Sure. Have a good one. Have a good day. तो आप लोगों ने ये कन्वर्सेशन देखी कि अगर आप लोग इन पर्सन जा रहे हो अप्लाई करने के लिए तो आपको पहले तो मैनेजर से ही बात करनी है. एसोसिएट को रेज्यूमे नहीं देना है. एंड जब भी आप अप्लाई करने जाओ तो जस्ट मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट हो एंड कॉन्फिडेंस से ही बात करना मैनेजर के साथ ताकि आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छी पड़े एंड हायरिंग होने के चांस बढ़ जाए. और उन लोगों को ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, यू आर न्यू टू द कंट्री, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए. और शायद उसी की वजह से मोस्ट ऑफ दी
स्टूडेंट्स जो अप्लाई करने जाते हैं इन पर्सन, उसका मतलब इतना ज़्यादा सक्सेस रेशो नहीं होता, स्पेशली इन गुड पोजिशंस लाइक टेक सेल्स एंड वायरलेस। उसके बारे में भी हम कभी वीडियो बनाएंगे इन डिटेल, बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस टाइप ऑफ पोजिशंस वेर यू हैव टू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स लाइक मैनी कस्टमर्स ऑन अ डेली बेसिस, दे डू चेक हाउ कॉन्फिडेंट यू आर वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, and the level of confidence and the way you speak also matters a lot. So just थोड़ी सी आप प्रिपरेशन करके जाना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी जैसा यशा ने बोला कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छी पड़ेगी, तो अनकेस और अनटिल ये पोजिशन फील्ड हो जाती है तो भी आपको सूनर और लेटर दे में कॉल यू एज वेल। एंड लेट्स से अब वो मैनेजर ऐसा बोल देता है कि मैंने लाइक द पोजिशन हैज़ बीन फिल्ड ऑलरेडी, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कैन आई जस्ट हैव योर ईमेल सो दैट आई कैन जस्ट मेल माई रेज्यूमे, सो इन फ्यूचर इफ देर इज एनी पोजिशन अवेलेबल यू कैन जस्ट चेक योर इनबॉक्स एंड इफ आई एम गुड टू गो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। जस्ट लाइक दैट यू कैन बिल्ड सम कम्युनिकेशन एंड रैपो विद द मैनेजर and they don't mind doing like accepting resume with email and everything, so don't worry about that and do maintain this type of communication, and whenever you are applying in person do the same thing, let us know in the comment section agar aap ye practice karte ho while applying aur kaisa rehta hai and manager kya bolta hai, just let us know। यस एंड मेरी जो जॉब लगी थी उसमें मैं इन पर्सन ही गई थी, एंड जब मैं रेज्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गई थी तो तब ही उसने मेरा इंटरव्यू ले लिया था, विच वॉज रियली बेसिक, एंड तभी उसने मेरे को कहा था कि नेक्स्ट डे तुम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना, तो ऑन द स्पॉट मेरे को वो जॉब मिल गई थी जस्ट बिकॉज कि लाइक आप कॉन्फिडेंट बात करते हैं एंड आई डोंट नो अदर रीज़न, बट हाँ मतलब अगर आप अच्छे से ये करते हैं तो चांसेस है कि आपको ऑन द स्पॉट जॉब भी मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली स्पेशली हु इज कमिंग टू कैनेडा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।